अभी प्रधानमंत्री आवास पर एक अहम बैठक चल रही है। इस बैठक को 2.5 घंटे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास पर चलती इस बैठक में गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद हैं। बताया गया है कि इस बैठक में मुख्यमंत्री के नाम पर भी चर्चा हो रही है। अब चर्चा से क्या निकल कर आएगा, क्या चेहरा ये बदल जाएगा? तीन चेहरे जो मेरे पीछे इस समय आप देख रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान जो अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और इन चुनावों में जीतने वाले इकलौते मुख्यमंत्री किसी भी पार्टी के रहे, रमन सिंह जो छत्तीसगढ़ में 3 बार सीएम रहे और वसुंधरा राजे जो राजस्थान में 2 बार मुख्यमंत्री रही, तीनों पुराने चेहरे, बड़े चेहरे, क्या यही चेहरे फिर सीएम बन सकते हैं या चेहरा बदल जाएगा और अगर बदलेगा तो क्या होगा? अब आप उन सभी चेहरे, नए हो या पुराने हो, उनको मेरे बगल में देख रहे हैं, एक साथ देखिए, जिसमें राजस्थान से चर्चा में है वसुंधरा राजे, बाबा बालकनाथ योगी, दिया कुमारी, अर्जुन राम मेघवाल, अश्विनी वैष्णव और गजेंद्र सिंह शेखावत। मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान है, प्रहलाद पटेल है, नरेंद्र सिंह तोमर है, वीडी शर्मा है। छत्तीसगढ़ से रमन सिंह है, अरुण साव है, विष्णुदेव साय है, ओपी चौधरी और रेणुका सिंह। इन सारे नामों के बीच से मुख्यमंत्री के चेहरे का फैसला कल शाम तक होगा या फिर और लंबा वक्त लगेगा, इन सारे सवालों की वजह है कुछ ही महीनों बाद होने वाला लोकसभा का चुनाव। 2024 के चुनाव की कसौटी पर जो मुख्यमंत्री अभी मिली जीत के बाद 3 राज्यों की 65 सीटों दिलाने वाली ताकत पर खरा उतरने की क्षमता रखेगा, क्या वही मुख्यमंत्री बनेगा? मैं मुख्यमंत्री का दावेदार ना तो पहले कभी रहा और ना आज। भारतीय जनता पार्टी एक दल है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। परिणाम आ गए हैं, अब प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ये मोदी मैजिक का कमाल है, गारंटी है भाई, गारंटी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था मेरा बूथ सबसे मजबूत, हम उस काम में लगे थे। माननीय अमित शाह जी ने कहा था 51% वोट शेयर लाना, हम उस दिशा में काम कर रहे थे। ये जीत 2024 में मोदी जी को फिर से देशवासियों की सेवा का अवसर देने की जीत। मैं तो बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, चलिए थोड़े दिन इंतजार करिए। प्रधानमंत्री जी कोई कोई नया जो कोई सोच नहीं सकता ऐसा फैसला लाते। सब कुछ ये पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन में ही तो सब कुछ आगे बढ़ रहा है। जो भी होगा प्रधानमंत्री जी के दिमाग में होगा। पार्टी का विधायक दल और केंद्रीय नेतृत्व ही तय करेगा कि सरकार का नेतृत्व कौन करेंगे। मेरे सामने मिठाई रखी हुई है, मैं जाऊंगा, मेरे कैमरा पर्सन दिखाएं, आपको खिलाएगा आलाकमान और दोबारा से मुख्यमंत्री पद आसीन करेगा। 15 साल आप रहे, बीजेपी का बनेगा ये तय हो चुका है, कौन बनेगा ये चेहरा विधायक दल तय करेगा। मुख्यमंत्री का चेहरा हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है। 3 राज्य, 3 मुख्यमंत्री पद, दावेदार कई, ये वो चेहरे हैं जो चर्चा में तो है। अब मुख्यमंत्री इन्हीं चेहरों में से कोई एक होगा या फिर कोई ऐसा चेहरा जिस पर अब तक किसी की नजर ही नहीं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से कोई नया सरप्राइज देने वाले हैं? फैसला प्रधानमंत्री को करना है, जो चुनाव में सिर्फ कमल को चेहरा बताते हुए 3 राज्यों की जीत पार्टी को दिला चुके हैं। हमारा एक ही चेहरा है और वो चेहरा है कमल। इस कमल को ही भारी बहुमत से जिताना है। कमल तो भारी बहुमत से जीता, लेकिन अब आगे क्या? क्या महिला वोटर की बढ़ती ताकत देखते हुए महिला चेहरे को तवज्जो देकर मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? आदिवासी वोटर के बीजेपी के साथ बढ़ते जुड़ाव को देखकर आदिवासी फार्मूले के साथ कोई मुख्यमंत्री बनेगा? पिछड़े दलित साधारण परिवार के खांचे से क्या कोई चेहरा सीएम पद में फिट बैठेगा? क्या मुख्यमंत्री चुनने में CS to DS यानी करंट स्ट्रेंथ से डिजायर्ड स्ट्रेंथ देने वाला चेहरा मुख्यमंत्री होगा या फिर कुछ ही महीने में 2024 का चुनाव जिताने का मादा रखने वाला, विधानसभा में वोट देने वाली जनता की उम्मीदों पर जो खरा उतरे वो मुख्यमंत्री होगा? क्या 3 राज्यों से आने वाली 65 लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखकर
फॉर्मूला नंबर 65 के तहत ही मुख्यमंत्री के चेहरे का चुनाव होगा। सबसे पहले राजस्थान चलिए, जहां दो बार मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे दावा है कि 68 विधायकों से बात कर चुकी है और खबर है 28 विधायक वसुंधरा से आकर मुलाकात भी कर चुके हैं। जो जनता की मांग है वो वसुंधरा जी है, वसुंधरा जी को सीएम बनाना चाहिए। अंदर 20-25 विधायक हैं अंदर। कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे की को वापस मुख्यमंत्री बनाने की मांग भी की जा रही है। प्रदेश की जनता भी मांग कर रही है और मेवाड़ संभाग में और राजस्थान में जनाधार तो मैडम का है ही है, उसको नकार नहीं सकते। आप भी चाह रहे हैं उन्हें मुख्यमंत्री बनाना जी? और अगर पार्टी तय करे किसी और को तो पार्टी की बात, शीर्ष नेतृत्व की बात, पार्टी के साथ रहेंगे। बहुत बेहतर काम किया है वसुंधरा जी ने, राजस्थान के अंदर 4 चांद लगाए हैं। वसुंधरा राजे हो या गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल हो या बाबा बालकनाथ, दिया कुमारी हो या अश्विनी वैष्णव, अब अगर इनमें से एक चेहरे को राजस्थान में मुख्यमंत्री के लिए चुना जाएगा तो फॉर्मूला 2024 का इस्तेमाल होगा और वो भी कैसे समझिए। राजस्थान में 25 लोकसभा सीट है। बीजेपी ने 2019 में राज्य में सरकार न होने पर भी यहाँ सभी सीटें लोकसभा में जीती। इस बार सरकार है, ऐसे में अगले कुछ महीनों में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले हाईकमान रत्ती भर गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहता, इसीलिए मुख्यमंत्री ऐसा चाहिए जिसके जरिए प्रदेश भर में सकारात्मक संदेश जाए, जिसकी जाति के नाम पर पकड़ मजबूत हो, जिसके चुने जाने से दूसरी जातियों का विरोध भी ना हो, सरकार संगठन में सामंजस्य बैठाने में जो महारथी हो, योजनाओं को कम समय में लागू कराने में कारगर हो, जनता तक योजना पहुंचाने और पहुंचने में किंतु परंतु ना करता हो, जो बढ़कर वोट डालते वोटर में उत्साह कम ना होने दे और जो सोने पर सुहागा बने। राजस्थान में हर तरफ एक ही सवाल है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा। जवाब भी लोग खुद ही दे रहे हैं जो मोदी के मन में होगा, मगर महारानी आसानी से मान जाएगी क्या। कहा जा रहा है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री वो होगा जो 2024 में 25 की 25 सीटें बीजेपी के झोली में डाल दे, मगर 2018 में जब राजस्थान में बीजेपी हार गई तब भी 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर 25 की 25 सीटें आई थी। इस बार भी कहा जा रहा है कि राजस्थान में बीजेपी जीती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, लिहाजा वही चेहरा तय करेंगे। कैमरामैन शर्मा और देवांकुर के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक। आप कहेंगे कि राजस्थान में जीत मिली है, पहले भी 25 की 25 सीटें बीजेपी जीत चुकी है लोकसभा में, मोदी के नाम पर वोट लोकसभा में वोटर ज्यादा देता आ रहा है, तो फिर इतना मंथन क्यों? इसके लिए एक आंकड़ा आपको बता देते हैं। राजस्थान में 44 सीट ऐसी इस बार के चुनाव में रही जहां बीजेपी की जीत के अंतर से ज्यादा वोट किसी तीसरे दल या निर्दलीय प्रत्याशी ने हासिल किए, यानी बहुमत बीजेपी के पास है, लेकिन बीजेपी आगे 2024 में कोई भी गुंजाइश कांग्रेस के लिए छोड़ना नहीं चाहती। तब अभी राजस्थान के सीएम पद के दावेदारों की ताकत और कमजोरी देखिए। वसुंधरा राजे, इनकी ताकत यह है कि मुख्यमंत्री बनाया जाए तो संदेश पूरे राज्य में जाएगा, बड़ा अनुभव है, लेकिन कमी यह है कि पार्टी में पूरे 5 साल सक्रिय नहीं रही। अगला चेहरा देखिए, बाबा बालकनाथ योगी, इनकी ताकत यह है कि यादव जाति से आते हैं, राजस्थान से लेकर हरियाणा तक इनका असर है, लेकिन कमी यह है कि प्रशासनिक अनुभव इनके पास बहुत ज्यादा है नहीं। अगला चेहरा है अर्जुन राम मेघवाल का, कानून मंत्री है, अभी दलित है, प्रशासनिक अनुभव है, कानून मंत्री के तौर पर अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कमी एक सवाल से जुड़ी है कि बीजेपी के कोर वोटर जो अगड़ी जाति के माने जाते हैं उनके नाराज होने का डर न हो। दिया कुमारी राजकुमारी है, युवा है, बड़ा चेहरा है, जो चुनौती अलग अलग पार्टी ने अलग अलग सीटों पर दी उसे निभाया, राजपूत है लेकिन जातिगत बंधन नहीं रहे। कमी यह है कि संगठन में बहुत काम सीधे नहीं किया, प्रशासनिक अनुभव भी थोड़ा कम है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का भी नाम चर्चा में है, ओबीसी समुदाय से आते हैं, इसका मैसेज बड़ा जाएगा, बाकी जाति में नाराजगी नहीं होगी, प्रशासनिक अनुभव बड़ा है, गैर विवादित चेहरा है। कमी यह है कि राजस्थान में सक्रियता कम रही। गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री हैं, अब विधायक बने, राजपूत नेता हैं, जोधपुर से आते हैं, आरएसएस के करीबी हैं, चुनाव में मेहनत की है, लेकिन दावा है कि ओबीसी वर्ग से आने वाले जाट समुदाय की नाराजगी हो सकती है।
ऐसी ही ताकत और कमजोरियों के तराजू पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीएम पद के दावेदारों को भी तौला जा रहा होगा। देखा जा रहा होगा कि 2023 में मिले मोमेंटम को कौन 2024 के चुनाव में भी जारी रखने की क्षमता रखता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने के 30 घंटे बाद भोपाल में परिवार संग डिनर करने आम लोगों के बीच ही पहुंचे। छोला भटूरा, केसरिया दूध, पाव भाजी का स्वाद देने के बाद सवाल हुआ, क्या मुख्यमंत्री फिर से बनेंगे? रिस्पांसिबिलिटी तो अभी भी है, अभी भी खाद की समीक्षा की ढंग से मिल रहा है कि नहीं किसानों को। शिवराज सिंह चौहान फिर मंगलवार को लाडली बहनों के साथ लंच करने आ गए। सवाल इस बार भी हुआ, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्या दिल्ली जाएंगे? बयान पर गौर करिएगा। मैं मुख्यमंत्री का दावेदार ना तो पहले कभी रहा और ना आज हूं। मैं एक कार्यकर्ता के नाते सदैव भारतीय जनता पार्टी मुझे जो भी काम देगी उस काम को समर्पित भाव से अपनी संपूर्ण शक्ति, क्षमता और प्रमाणिकता, ईमानदारी से सदैव करता रहूंगा। मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, कल मैं जा रहा हूं छिंदवाड़ा, जहां सातों विधानसभा की सीटें हम नहीं जीत पाए। मेरा एक ही संकल्प है, 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते मध्य प्रदेश में। इस आखिरी बात में क्या चुनावी नतीजों के बाद मुख्यमंत्री के चुनाव का राज छिपा है? 2018 में मध्य प्रदेश में सरकार जाने के बावजूद बीजेपी ने 2019 में 29 में से 28 लोकसभा सीट जीती। 2023 में विधानसभा चुनाव में वोट शेयर 6% बढ़ा, बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला। 2024 लोकसभा चुनाव में जो 29 लोकसभा सीट दिलाने में कोई चूक न रहने दे, वही मुख्यमंत्री बनेगा। गारंटी है भाई, गारंटी है। बीजेपी चुनाव के लिए कितना संजीदा रहती है, इस बात को समझना है तो याद करिए, 3 राज्यों में बड़ी जीत के बाद जब दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में प्रधानमंत्री पहुंचे तो क्या कहा? आवाज तेलंगाना तक पहुंचनी चाहिए। तेलंगाना तक आवाज पहुंचाने का मतलब है अब वहां मेहनत करके आगे बढ़ना। जीत के बीच आगे का लक्ष्य तय करने की यही सोच फैसला करती है कि मध्य प्रदेश में अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, जिसके लिए शिवराज सिंह चौहान के साथ प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, बीडी शर्मा के नाम की चर्चा है। दो अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य में सत्ता गवा बैठे, लेकिन भाजपा शिवराज सिंह चौहान साहब ने शानदार जीत मध्य प्रदेश में दर्ज की। मोदी जी का नेतृत्व है, अमित शाह जी की रणनीति है, माननीय नड्डा जी का जो पोलिंग बूथ के कार्यकर्ताओं तक मजबूत संगठन को बनाने की प्रक्रिया है, वो फिर कार्यकर्ताओं का परिश्रम। सीएम कब तक फैसला हो जाएगा सर? तो जल्दी होने वाला है, जल्दी होगा, आपको पता लग जाएगा। इन सारे नामों में शिवराज सिंह सबसे आगे, लेकिन क्या मध्य प्रदेश में चौंकाने वाला फैसला हो सकता है, या फिर यही ध्यान में रखा जाएगा कि जो शिवराज सिंह लाडली बहना योजना के साथ महिला वोटर पर मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं, लंबा प्रशासनिक अनुभव रखे हुए हैं, पूरे राज्य में जिनकी पहुँच लगातार बनी हुई है, क्या वही अभी उपयुक्त है? लाडली बहन योजना और लाडली लक्ष्मी योजना की प्रशंसा आज पूरे देश में हो रही है। जब भी बहन याद करो तो मामा याद आ ही जाता है। 2024 के सेमीफाइनल में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है। अब अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहाँ 90 में 54 सीट पर बीजेपी जीती और 2018 में 68 सीट पाने वाली कांग्रेस 35 सीट पर सिमट गई। मुख्यमंत्री के नाम को लेकर सस्पेंस यहाँ भी बना है। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह, अरुण साव, विष्णुदेव साय, ओपी चौधरी, रेणुका सिंह के नाम पर चर्चा है, लेकिन चुना वही जाएगा जो 2024 में भी 11 की 11 लोकसभा सीटें जिताने में कारगर होगा। मेरे सामने मिठाई रखी हुई है, मैं जाऊंगा, मेरे कैमरा पर्सन दिखाएं, आपको खिलाएगा आलाकमान और दोबारा से मुख्यमंत्री पद आसीन करेगा? 15 साल आप रहे। मुख्यमंत्री बीजेपी का बनेगा ये तय हो चुका है, कौन बनेगा ये चेहरा विधायक दल तय करेगा। हम सबके प्रयासों से जनता का आशीर्वाद मिला और ये पार्टी को बहुमत मिला है। निश्चित रूप से पार्टी का विधायक दल और केंद्रीय नेतृत्व ही तय करेगा कि सरकार का नेतृत्व कौन करेंगे। मुख्यमंत्री का चेहरा हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है, जो संसदीय बोर्ड है वो तय करता है, और वही इस बार भी होगा। और मैं तो पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, 30 वर्षों तक पार्टी ने हमको विभिन्न पदों में दायित्व निर्वहन का मौका।